अस्सलामु अलैकुम। टुडेज टॉपिक इज कार्बन रेजिस्टर्स। हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं। अगर हमें हाई रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाना होगा तो हम यूजुअली कार्बन से बनाते हैं और इनको हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। सो द रेजिस्टर्स मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज कार्बन रेजिस्टर्स। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, ये कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। यूजुअली अगर हमारे घर में कोई पुराना टीवी या रेडियो होगा, उसके बोर्ड पे ये देखे जा सकते हैं, या जो हम इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हैं घर में, तो उनके अंदर भी ये होते हैं। तो इन कार्बन रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनकी बॉडी पे एक कलर कोडिंग से दिखाई जाती है, कलर कोडिंग से डिपिक्ट की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कलर्ड बैंड्स है इसकी बॉडी पे, और वो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। तो इस टेबल में हमें सबसे पहले हैं कलर, देन सिंबल, देन न्यूमेरिकल वैल्यू, देन मल्टीप्लायर, देन टॉलरेंस। कलर कौन कौन सा है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड कलरलेस। ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये इनके मल्टीप्लायर वैल्यूज़ हैं, और ये इनकी टॉलरेंस हैं। टॉलरेंस में बता दूँ, जो हम इस कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें कितना एरर होगा, दैट इज गिवन बाय टॉलरेंस। अभी देखा हमने कि जो रेजिस्टेंस कलर कोडिंग जो होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर कलर्ड बैंड्स, B1, B2, B3, B4। पहले तीन कलर बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, और B4 स्लाइटली अवे फ्रॉम देम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस फिगर में भी, ये दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3 एंड देन दिस लास्ट वन इज B4। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस? सो कलर ऑफ फर्स्ट बैंड B1 गिव्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स। तो B1 बैंड का जो कलर होगा तो वो हमें पहला डिजिट देता है रेजिस्टेंस का। B2 बैंड का जो कलर होगा वो हमें दूसरा डिजिट देता है रेजिस्टेंस का। B3 बैंड का जो कलर होगा वो हमें मल्टीप्लायर देता है। B4 का जो कलर होगा वो हमें टॉलरेंस देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाई है। B1 का वैल्यू ब्लू है, B2 का कलर येलो है, B3 का कलर ऑरेंज है, B4 का कलर गोल्ड है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। पहले हम B1 ब्लू है तो ब्लू का वैल्यू देखेंगे। ब्लू का वैल्यू 6 है, तो पहला डिजिट जो रेजिस्टेंस का होगा वो 6 होगा। तो लिखा हमने यहाँ पे 6। B2 है येलो, क्योंकि हमें B2 क्या देता है, सेकंड डिजिट देता है, तो येलो का हम वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, येलो का वैल्यू है 4। तो जो सेकंड डिजिट होगा रेजिस्टेंस का वो 4 होगा, लिखा हमने यहाँ पे 4। देन B3 है ऑरेंज, और ये हमें मल्टीप्लायर का वैल्यू देता है, तो हम ऑरेंज का वैल्यू देखेंगे, मल्टीप्लायर वैल्यू। ऑरेंज का मल्टीप्लायर वैल्यू है 10^3। तो इस तरह हम 10^3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। देन B4 का कलर क्या है? गोल्ड। तो ये हमें टॉलरेंस देता है, तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है? इट इज ±5%। तो हमने यहाँ पे लिखा ±5% एंड ओम इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर विद एबो कलर कोडिंग। थैंक यू।